हमने सवाल भी नहीं करा, तुम मुख्यमंत्री ने बना लिया, एसपी एसपी ने लिया नहीं करा, ऐसे में सब कभी नहीं करा। अभी इतना नुकसान सब हवा में लगाया हुआ है, डीसी जो है वो हम लोग ठीक कर रहे हैं, डीसी जो है ऐसा कर रहे हैं, केस भी केस सुने जा रहा है, कितना झूठ आज है सरकार के आगे सामने प्रशासन के दिमाग के सामने जल्दी कर रहा ये डीसी जो ये छोड़ देना है डीसी जब भी बिताने का काम करता था इन लोगों से भी बेचैन काम करते हैं कैसे मतलब का काम करते हैं जब भी लड़ाई है जब भी लड़ाई है एम पी एस सी एन सी आसानी में भी दिया जा नहीं मिली और अब ऐसा है जो किसी का और राखन एक साथ में बना अलग राखन बना छत्तीसगढ़ में पैसा लागू हो गई और आज है नियमावली तक नहीं बनाया कहां से लागू होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हर हम लोगों को मैं भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हूं हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं हम सिंधु सभ्यता के लोग हैं हम इसे बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि तो पार्टी से हटाएगा पार्टी से निकालेगा मैं बोलता हूं पार्टी से निकाल सकते हो पार्टी से नहीं निकाल सकते ये लड़ाई तो लड़ेंगे हमने गुरुजी को गुरुजी ने हमको सिखाया जहां गलत हो उसका विरोध कर रहा है आज हम जयपुर हम नहीं गए हमको कोई किडनैप कर सका क्या हमको कोई खरीद सका क्या अब अलग अलग में जाकर गलती करते हो डर रहे हो सरकार तुम्हारी है आपने बहुत को सिल दिया लोगों को नॉलेज का पीछा दिया कैसे विश्वास किया जाए अब की संभाल जाओ सरकार संभाल जाओ अभी का सरकार ना करते ये समाज झारखंड का चार मोर्चा में जीते हमारे साथी लोग हम सारे लोग मिल करके ये ट्रेलर दिखा रहे हैं फिल्म दिखाएंगे हम मोराबादी में मोराबादी में फिल्म दिखाऊंगा अगर यहां के लोगों को न्याय नहीं मिला यहां के लोगों को एसपीपीएल नहीं बचा सीएच को नहीं बचाओगे अस्थायी नीति नहीं बनाओगे नियंत्रण नीति नहीं बनाओगे मजबूर कर दूंगा और मोराबादी में पूरे झारखंड के लोगों को मुठेंगे सारा झारखंड के लोग मुठेंगे जिसके हृदय में पीड़ा वो लोग आएंगे और लाखों लाख के तादाद में लोग आएंगे और साथ में गाय भैंस बकरी सुअर सब आएंगे और एक भी सुअर बनाएगा एक भी गाय बनाएगी सरकार को जवाब देना पड़ेगा जब जमीनें लुटा रहा है तो गाय के भाव नहीं रखे छोटे गाय और नहीं तो चला दो पानी हम गोली खाने के लिए तैयार हैं हम इसी के अनुभव है हम इसका खून है इनमें तो दबाव से दे रही है तो हम सारे लोग इसके सरकार से डरने के बाद है क्या करेंगे ऐसे करके धीरे धीरे करके हम लोग को भगाया जा रहा अभी जहां जहां कोयला खदान है जहां जहां पत्थर खदान है आदिवासी जुड़ो मूलवासी जुड़ो कहीं डैम बन रहा आदिवासी जुड़ो अरे बहुत चिंतनीय विषय है इस मिट्टी का पैदाइश है इस मिट्टी को बचाना पड़ेगा और जहां लड़ाई लड़ेंगे सरकार को मजबूत होना पड़ेगा मरना क्या नहीं करता आज यही लोग अपन लोगों के साथ आया है यही अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।